बादल बरस पड़े, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, स्मोक की शिदत में कमी आने का इम्कान। अमनो अमान का खदशा, शहर के स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आज बंद रहेंगी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी बोर्ड टेफ्टा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। टैक्स चोर थिएटर इंतजामिया महकमा एक्साइज के रेडार पर आ गई। टिकट की मद में शहरियों से इजाफी पैसे वसूल करने का इंकशाफ। महकमा एक्साइज का ड्रामे की रेट लिस्ट काउंटर पर आवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ईटीओ एंटरटेनमेंट न्याज सुभानी की जानिब से थिएटर इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी। चूंकि इलाके में फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से धमाका, 32 साल नौजवान शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों की मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां, मुतासरा नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चूंग ट्रेनिंग सेंटर पासिंग आउट परेड ताखीर का शिकार। डॉल्फिन फोर्स के सातवें बैच की ट्रेनिंग को मुकम्मल हुए 5 माह का अरसा गुजर गया। 5 माह बाद भी तरबियत मुकम्मल करने वाले एहलकारों की पासिंग आउट परेड ना हो सकी। डॉल्फिन एहलकार जहनी परेशानी का शिकार। एफबीआर को माली खसारे का बड़ा झटका। अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर टैक्स कलेक्शन की मद में 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। एयरफ्रेट यूनिट में ड्यूटी टैक्स कलेक्शन सिफर पर चली गई। पीएमएस अफसरान का अलामती एहतजाज चौथे रोज भी जारी रहा। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुतालबात की मंजूरी तक सदाए एहतजाज बुलंद रखी जाएगी। अफसरान कौमी हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट की 2 रोजा मुशावरती वर्कशॉप का आगाज। पाकिस्तान में जच्ची और नौजायदा बच्चों के मसाइल से शुरका को आगाह किया गया। डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जरूरत है, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना बेजाबतियों का केस। हाईकोर्ट में साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। इंक्वायरी, वारंट गिरफ्तारी, रिमांड कल अदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। और ई लर्निंग पंजाब एप्लीकेशन की डिमांड में इजाफा। रवम आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1,72,000 पर पहुंच गई। सितंबर के महीने में एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों की तादाद सिर्फ 65,000 थी।